कि वो लड़के जीत रहे थे पनौती वहां पहुंच गए इस प्रकार की बात उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और पत्रकारों ने एक हंगामा क्रिएट कर दिया और पहली बार में लगता भी कुछ अटपटा सा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन बात यह है दर्शकों कि जब ये पनौती का शब्द इस्तेमाल एक जमाने से हो रहा है तब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले नहीं राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार इनडायरेक्ट वे में कहा गया तब कोई पत्रकार बोला तब कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर इतना जमीर जागा कि वो कह दे कि ये बात गलत है यानी कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई भी शब्द निकले उसको गीता के श्लोक समझ लेना और ये समझ लेना कि यही संविधान के मेन शब्द हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है चाटुकारिता की हद है अब राजस्थान में एक तरफ तो रण है ये लेकिन क्या राजस्थान की कामयाबी राजस्थान की तरक्की इन बातों से हो सकती है मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों दो चीजें दिखाऊंगा आपको भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों के अंदर जो ख़बरें देनी शुरू की हैं वो आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पत्रिका की लगाता हूँ इसके अंदर तमाम चीज़ें ये दिखाई जा रही हैं कि वो जो कन्हैया लाल टेलर का कत्लो कत्ल कत्ल हुआ था बड़ा विभत्स हुआ था पूरे देश ने देखा था पूरे देश ने उसकी भर्सना की थी मुस्लिम समुदाय के जितने भी आलिम उलमा हो सकते थे उन्होंने भी उसकी भरसना की थी लेकिन अब इलेक्शन से दो दिन पहले एक दिन पहले आप अपने प्रचार का माध्यम यह बनाते हैं कि उस कन्हैया लाल के हत्याकांड को भुनाने की कोशिश करते हैं कभी कभी दर्शकों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार ये पुराना जिक्र मत करो मौत का जिक्र है किसी परेशानी का जिक्र है गुर्बत का जिक्र है उसको कहते हैं इसको छोड़ दो तकलीफ होती है लेकिन इलेक्शन के समय वोट हासिल करने के लिए अगर यह काम किया जाएगा तो आप इसका क्या अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको किस और धकेला जा रहा है राजस्थान की पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें इस तरह की बात करनी चाहिए वहां पर जहां सेना के लोग ज्यादा हैं हिमाचल की तरह वहां पर आप कन्हैया आप जुनेद नासिर का जिक्र क्यों नहीं करते लेकिन राजस्थान की तरक्की में इन बातों के जिक्र का मतलब क्या है और प्रधानमंत्री जी या मोदी जी या सॉरी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकी लोग इस वाले अभियान पर लग गए हैं आप अशोक गहलोत की नीतियों की भर्सना कीजिए उसके अंदर कमी निकालिए उनके घोटाले अगर हैं तो उनको उजागर कीजिए मैनुफेस्टो पर लड़िए जो उन्होंने जारी किए अगर उन्होंने पूरा नहीं किया उस पर बात कीजिए लेकिन नहीं आपको तो ऐसे मुद्दे निकालकर लाके दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे आपके खून में गर्मी पैदा हो जाए अब कन्हैया लाल को अगर आप बार बार रिमाइंड करेंगे बार बार रिमाइंड करेंगे हर खुशी के मौके पर पर्व कहा जाता है चुनाव को चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है बल्कि कुछ पत्रकार भी कहते हैं हमारा पर्व है पत्रकार भी कहते हैं ऐसे हमारे हमने देखा बहरा लेकिन आप उस वक्त क्या बात कर रहे हैं कि कन्हैया लाल की गर्दन के आपने बयान में भी यही कहा अब अखबारों के माध्यम से भी ये बातें बताना ये कहां तक मुनासिब है अब कांग्रेस का भी देख लीजिए राजस्थान पत्रिका के अंदर ऐड दिया गया कि अगर गलत वोट पड़ गया तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ओपीएस खतरे में पड़ जाएगी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देश का एक बड़ा मुद्दा ओपीएस और एनपीएस था और है लेकिन आप भी इसको अगर इस तरह से बुराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गलत वोट पड़ गया अगर गलत वोट पड़ गया आप कह दी कह दीजिए कि ओपीएस हम लेकर आए वो एनपीएस हम ओपीएस हम दोबारा लेकर आए एनपीएस को हमने पीछे कर दिया आप हम इसलिए वोट दीजिए ऐसा समझ समझ में आती है बात ऐसा समझ में आती है हालांकि योजनाएं अगर आप लेकर आ रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं आम जन पर लेकिन दर्शकों बात इनकी है ये इनकी है दुकानें आपको और मुझे सचेत होने की जरूरत है आप देखते हैं कि सुधीर चौधरी अगर बात कर रहा तो ये तो हमारा वाला है रवीश कुमार बात कर रहा तो ये हमारा वाला है ये गोदी मीडिया और इस तरह की मीडिया के बीच में आप कौन बन गए क्या फुटबॉल है हम उधर से वो लात मार देगा इधर चले जाएंगे इधर से वो लात मार देगा इधर चले जाएंगे हमारा अपना विवेक नहीं है क्या हम मैं आपको पचास बार कहता हूं कि बाजार जब जाते हैं तो एक दस रुपए का पचास रुपए का घड़ा लेते हैं बजा कर देखते हैं ये लोग आते हैं कन्हैया लाल टेलर की बात करेंगे गर्दन कटवाने की बात करेंगे और आप जज्बात मा के वोट दे देंगे पांच साल भुगतना पड़ता है ये लोग नफरत बांटने वाले अगर काम करते हैं तो क्या आपको इनको और मुझे इनको ट्रैप में आना चाहिए बात यह दर्शकों अशोक गहलोत ने वह काम क्या किया इसको देखना चाहिए अगर नहीं किए तो उसको देखना चाहिए लेकिन चुनाव के अंदर यह एक मापदंड बन चुका है कि आपको किसी भी प्रकार से धार्मिक एतवार से धार्मिक मुझे भी पशु बना देना अगर हम धार्मिक पशु बन जाएंगे तो क्या लोकतंत्र की सेवा कर पाएंगे बहरहाल दर्शकों ये तो मुझे लगा कि राजस्थान के अंदर जो हलचल हो रही है राहुल गांधी पनौती बता रहे हैं वो मूर्खों का सरदार बता रहे हैं वो कन्हैया टेलर की बात बता रहे हैं हमारा ये परि हमारा ये चुनाव का कह सकता हूं पूरा का पूरा मोड किस प्रकार जा रहा है आपको समझ में आनी चाहिए ये बात कि आखिरकार किस प्रकार से हमारे राजनेता किस परिवेश पर ले, ले जा रहे हैं कन्हैया टेलर पर वोट देंगे आप या राजस्थान की तरक्की पर वोट देंगे आपको खबर कैसी लगी है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ जय हिंद